वीडियो 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 वीडियो। अरे यार तीन तीन बंदे आ, हो के भी पुश नहीं कर रहे यार व्हाट इज दिस बिहेवियर ही नहीं थी यार असलमकुम गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले तो गाइज़ आज की जो गेम प्ले है उसमें वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो है लेकिन हाई क्वालिटी का कॉन्टेंट है तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है यकीन मानो आपको बहुत ही अच्छा सा आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने मजबूर कर लिया कि अच्छे प्लेयर्स को ना होल्ड करने पर एक सोलो बंदे पे तीन तीन बंदे भी पुश नहीं कर रहे थे तो आपने सबसे पहले वीडियो को कर देना है लाइक और जो भी न्यू है यार एक बार सब्सक्राइब कर दो फोर्टी परसेंट बंदे जो है मेरी वीडियोस देखते हैं विदाउट सब्सक्राइब के तो यार ये तो गलत बात है ना सब्सक्राइब करना चाहिए तो चलते हैं फाइट की तरफ तो भाई जैसे इवेंट पे उतरते हैं अब इवेंट पे इस एंगल पे हम उतरेंगे यहाँ पर चार बंदे होते हैं इनके साथ हम फाइट लेंगे उसके बाद जो हैवी फाइट होगी मेरी अकेले बंदे की वो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी है तो ऊपर जो ये पाइनएपल वाला बंदा था ये काफ़ी अच्छा किलते आपके सामने इससे मुझे काफ़ी डैमेज किया तो मैंने कहा यार अब अंधा तो घुसना नहीं है रिकॉल क्यों ज़ाया करवाया एंड तक फाइट लेनी है तो तसली से मैं यहाँ पर हेल्थ लगाऊंगा तो जैसे ही मैं लगाऊंगा इसके टीममेट्स इनके क्लोज आ जाते हैं इसको कवर देने के लिए इसने लाजमी कॉल दी होगी कि भाई एम के वालों ने हमें घेर लिया तो जैसे इनके टीम मेट्स आते इतने में मेरा टीमेट हो जाता है नॉक तो मजबूरन फिर मुझे उसी एंगल पर जाना पड़ा अपने टीम को कवर देने के लिए अब जिस बंदे ने मेरे टीमेट को नॉक किया उसका मुझे पूरा लोकेशन पता था इसको मैं यहाँ पर ईजिली नॉक कर लेता हूँ जैसे ही मैं नॉक करता हूँ सबसे पहले मैं फिनिश का ट्राई करता हूँ क्योंकि किल सिक्योर करना है यहाँ पर पता नहीं चलता कौन किसका किल लुटाता है और इसके टीम आ रहे थे मैं अलग अलग एंगल से फ्री फायर करवा रहा था ताकि मेरा जो टीम है वो बच सके तो फाइनली मेरा टीम बच चुका था और यहाँ पर मैंने एक इनका किल भी चोरी कर लिया अब ये जो पाइनएपल सूट वाला है ये सामने घर में इसका मेरी फुल हैवी वाली फाइट होने वाली लोंडा अच्छा खेला था मैं सबसे पहले ऊपर वाले एंगल पर गया मुझे पता था ये पुश करेगा तो फिर मैंने टी वाली पीक यूज़ करके इसको मैंने यहाँ पर नॉक कर लिया अब यहाँ पर सीन क्लियर नहीं हुआ इनका लास्ट बंदा था अब वो आएगा पुश करने के लिए इसने फिर से हमारे हमजी भाई को कर लिया नॉक लेकिन उसने उनको काफ़ी डैमेज दिया था और ये बंदा मेरे मोल्टोफ से ही नॉक हो गया तो भाई अब यहाँ की फ़ाइट खत्म हो गई है अब आते हैं डायरेक्ट इसी इवेंट के मेन बिल्डिंग की फ़ाइट अब ये जो टीम है यार इस बंदे का कॉन्फिडेंस चेक कर लो भाई क्लोज में डब्ल्यू चला रहा था मेरे ख्याल से आई प्लेयर था और फोर्टी सेवन खलीफा का भी फ़ैन था तो आप लोगों ने ये सीन खुद चेक करना है तो लोंडे ने शॉट अच्छी मारी लेकिन ये है कि बॉडी पे पड़ी जिसकी वजह से मैं नॉक नहीं हुआ और इसको मैंने नॉक कर लिया अब यहाँ पर जो है ना इज़्ज़त का सवाल आ गया था इन्होंने भी काफ़ी होल्ड किया हुआ था बिल्कुल भी पुश नहीं कर रहे थे एक एक बंदे पर मैं खुद अकेले ही पुश करूँगा आप लोगों ने सारी वीडियो एंड तक देखनी है इनके साथ मेरी कितनी इंटेंस सिचुएशन वाली फाइट जाती है तो भाई इधर फिर से मैं मैंने कहा यार क्रेट्स वेट्स लूट लू तो इतने में मेरा टीमेट हो गया नॉक यहाँ पर तो मुझे मजबूरन कवर देना पड़ा दो एंगल से ये लोग जो है पुश कर रहे थे तो ये एक्सूट वाला लोंडा जो था इसको मैंने इसका ये फ़ायदा उठाया कि इनका रिलोड आ गया और मैंने इसको नॉक कर लिया अब इसको मैंने फिनिश इस वजह से नहीं किया क्योंकि मेरी हेल्थ लो थी क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फिनिश करता तो मैं शायद खुद भी नॉक हो जाता तो सबसे पहले मैंने मेसी के शूज़ का इस्तेमाल करके साइड पर आकर मैंने हेल्थ लगाई अब जैसे ही मैं हेल्थ लगा था तो यार इनका तीसरा टीममेट भी आ जाता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा सीन खराब हो गया था अब ये बंदा अलग एंगल पे था उधर वो अलग रिवाइव हो रहे बिल्कुल अपने स्टेप्स नहीं दे रहे थे एक बंदे पर भी तीन तीन बंदे एक साथ पुश नहीं कर रहे थे तो आप लोगों ने देखना यार कि मैं एक एक बंदे को कैसे पकड़ के मैं सही वन वी वन की प्रॉपर फाइट लेता हूँ फुल मतलब एनिमी के पास कवर होगा और आपका भाई पुश करेगा क्योंकि आपका भाई रिकॉल से पहले फुल वैशी मूड ऑन करके खेलता है अब इस बंदी की मुझे प्रॉपर लोकेशन पता चल गई थी तो जिस बंदी की मुझे प्रॉपर लोकेशन पता चलती थी, थी मैं पुश करता था तो यहाँ पर देखो यार भाई का जिगरा देखो यार कैसे कवर कवर में मैं सबको ले रहा हूँ तो इसको भी मैं यहाँ पर नॉक करके फिर से छोड़ देता तो। हूँ मैंने फिनिश नहीं किया क्योंकि मैंने कहा यार फाइट लेनी है ना तो एंड तक सही फ़ाइट लेगी तो इस बंदे को भी मैंने नॉक कर लिया था उससे पहले भी मैंने एक्सुट वाले को नॉक कर लिया था लेकिन तब भी इन्होंने किसी ने भी पुश नहीं करा था बार बार रिवाइव हो रहे थे और आपके भाई के पास हीलिंग्स भी ख़त्म हो रही थी हैरान परेशान के करे क्या और ये लोग तो बिल्कुल पुश लेने का नाम ही नहीं ले रहे थे अब यार एंड आपने देखा था कि एंड में इन्होंने फिर क्या कहा हीलिंग नहीं थी हमारे पास हालांकि जैसे मेरे पास आया इसने उसी टाइम फर्स्ट एड लगाई तो भाई जब एम के आता है ना सामने तो फिर मजबूर होते हैं लोग यार होल्ड करने पे बिल्कुल किसी एंगल पे पुश नहीं करते क्योंकि पता है अगर तो यहाँ पर इनका मेरा इन पर क्लच हो जाता तो सुबह वीडियो आ जानी थी टिकटॉक पर तो भाई हीलिंग्स के नाम पे कुछ थी नहीं मेरे पास बैंडेजेस था मुझे जैसे ही इनके बंदे के मुझे स्टेप्स आते हैं तो मैं फिर से पुश करूँगा मुझे मैं अच्छे एंगल का की तलाश में था कि भाई अच्छा एंगल मिले यहाँ पर मैं पूरा बूस्ट कर लूँगा तसली से बैंडी थे मैंने कहा भाई बस उसी हेल्थ पर ही खेलना है जितना भी सुन हुआ और फिर मैं वहाँ से भागने वाला सीन मैंने बिल्कुल करना भी नहीं था तो चलो यार ये कुछ जो है ना गेम प्ले ख़ुद इंजॉय करो थक गया हो यार वॉइस ओवर कर करके अब यहाँ पर आप मेरी हेल्थ चेक कर सकते हो मेरी हेल्थ काफ़ी लो थी और बैंडेजेस का टाइम नहीं था और वो दो बंदे थे तो फिर भी मैंने यहाँ पे अपना टफ टाइम दिया बहुत मैंने एंड तक खेला तो खैर इतने में मैं नॉक हो गया फिर ये लोंडा कह रहा था कि भाई मेरे पास हेल्थ नहीं थी हालांकि मेरे सामने बैठ के ही फर्स्ट एड लगा रहा है तो भाई क्या बात होगी तो चलते हैं यार नेक्स्ट वन वी फोर नेट की तरफ अच्छा तो गैस ये जो टीम है ये अरबी है तो सबसे पहले मेरा टीम एट इनका एक टॉक कर लेता है तो तीन तो मैंने नॉक किए लेकिन ये जो मेरे टीम ने नॉक किया इसको भी मैं नेट से उड़ा ले तो मतलब के मेरे नेट का ही कमाल था फिनिश होने का तो सबसे पहले पहला नेड हम ट्राई करते हैं यहाँ पर तो जैसे ही पहला नेट जाता है तो भाई ख़ुद किल किलफिट देख लो दो नॉक हो गए और इनका जो लास्ट बंदा था जिसको मेरे टीम ने नॉक किया था वो फिनिश हो गया दूसरा नेट मैं ट्राई करता हूँ वो पटता नहीं है फिर मैं तीसरा एक और नेट करता हूँ वो भी फटता नहीं तो इतने में मैंने कहा यार अपने टीमेट को ही रिवाइव कर लेते तो जैसे ही मैं टीमेट को रिवाइव करता हूँ उसने जो है ना रिवाइव के बदले में एक दो नेट्स मुझे दिए हुए थे अब पूरा गेम जो है ना दो नेट्स का कमाल था इतने में उस एनिमी ने भी अपने दोनों टीमेट्स को रिवाइव कर लिया था तो मैं अपने टीमेट को फर्स्ट एड दे, दे, दे देता हूँ तो फिर यहाँ से आपका भाई हैवी नेट फिर से ट्राई करता है अब ये नेट देखना भाई इस नेट से कितने बंदे नॉक होते अब यहाँ पर दो बंदे नॉक हो गए तो भाई हमारा तो पुश बनता था तो मैंने टीममेट को कहा कि भाई ज़रा साइड पे हो इधर हमारा क्लच होने वाला है अब हेडफोन्स का कमाल जो है हम यूज़ करके एयर यूज करके यहाँ पर मैंने नेट को टप्पा दिया और डायरेक्ट एनिमी के खोपड़ी पे पटा तो तीनों के तीन नॉक हो गए इनका जो लास्ट बंदा था वो ऑलरेडी नेट से फिनिश हो चुका था तो यहाँ पर आपके भाई का वन वी फोर ही समझो किसी तरह का वन वी फोर कंप्लीट हो गया तो तीनों बेचारे नॉक थे आते हैं नेक्स्ट वन वी टू वी फोर नेट की तरफ तो भाई इस टीम को हमने बिल्कुल खेलने का मौका भी नहीं दिया अब सामने इसी एंगल पर बंदे थे जो कि स्क्वाड हाउस में पूरा का पूरा स्क्वाड बैठा हुआ था अच्छा स्क्वाड था लेकिन हमारे सामने हमारे नेट के सामने स्क्वाड को हम मौका नहीं देते कि वो गन चला तो पहला नेट मुझे इन सब की लोकेशन पता थी तो पहला नेट में ट्राई करता हूँ ऊपर एक तो भाई इसके बाद जो हमारी फ़ाइट होगी ना अरबी के साथ यार वो बहुत ही हैवी होने वाली है जिसका मैंने ट्रेलर में आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाया था वो वाली फ़ाइट मिस नहीं करनी और यार अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो यार बाज़ आ जाए वीडियो को लाइक कर दो और यार, यार ये सब्सक्राइब किया करो वट इज़ दिस बिहेवियर यार इतनी मेहनत करके हम वीडियो अपलोड करते हो और यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ये अच्छी बात नहीं है तो आ जाओ यार फुल हैवी वाले सीन की तरफ जो कि बहुत ही हैवी सीन है एंड में जो होने वाला है तो गैस अरबी लोबी में ना अरबियों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज जो इनके एम और इनके डिवाइस का होता है एक तो अरबी आईपैड पर खेलते पे फिर उनके पास ट्वेंटी एम होता है तो हमारा फिर ऐसा सीन होता नहीं है अब यहाँ पर सीन ये हुआ कि हम जैसे इवेंट पहुंचने वाले थे हमसे पहले ही ये लोंडे पहुँच गए थे जो कि अरबी ऑलरेडी पहुंच चुके थे और मेरा टीममेट भी इनकी गोद में मतलब इनके करीब बिल्कुल था तो हमारे पास सिर्फ ये कि कंपाउंड था लूट करने के लिए आ गया हमने पुश वाला सीन करना नहीं था तो इतने में मेरा टीम हो जाता है नॉक तो जैसे ही नॉक होता है यार यहाँ पर मैं नेट ट्राई करूँगा क्योंकि मैंने कहा अगर ये नेट से कुछ सीन बना तो फिर जाके मैं आगे लूट करूँगा तो नेट तो हो गया था मेरा यहाँ पर मिस अब मैं इस लोकेशन पर आ गया एनिमीज़ को भी मेरी लोकेशन पता थी हमारी मतलब मेरे साथ एफ बी के भी था तो इन्हें इन्होंने सबसे पहले मोल्टॉफ किया जिससे हमें कोई भी नुकसानी नुकसान नहीं पहुंचा तो जैसे ही देखा यार बैक पर भी हल्ला गुला मचा हुआ था भाई बॉड थे पता नहीं कौन किस को मारा था कौन किस को मारा था तो जैसे ही मैं इनको मतलब ये बैक वालों को नक करता हूँ तो एनिमीज़ को मेरी प्रॉपर लोकेशन पता चल गई थी अब यहाँ पर एनिमीज़ नेट करते तो मैं अपनी लोकेशन दिखाया बगैर लेट लेट के मैं एंगल चेंज करता हूँ फिर उसके बाद मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और उसके बाद आपके बाइक का फुल हैवी वाला वन वी थ्री होगा विथ पी वी बाइजन कमेंट में बताना यार कि पूरी वीडियो का कौन सा क्लिप कौन सा नोक और कौन सा क्लच आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कमेंट किया करो यार वीडियो पर थोड़े से व्यूज आते हैं लेकिन कमेंट्स बिल्कुल करते नहीं हो यार ये क्या सीन है कमेंट भी नहीं करते हो लाइक भी नहीं करते हो सब्सक्राइब भी नहीं करते हो आप लोगों में बहुत मसला है यार आप लोगों का मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा तो चलो खैर अभी इनके साथ तो हमारी यहाँ पर फाइट हो गई है रिकॉल हमारा था अब एंड पर यार इनके साथ क्या सीन होता है यार ये लोग हमें कितना गंदा जो है घेर लेते वो वाला सीन भी दिखाते हैं तो अब यहाँ पर हमारा रिकॉल बच चुका था और आसपास हर तरफ बंदे थे सबसे पहले हमने सोचा कि यार हम इवेंट क्लियर करें तो सामने मुझे बंदा आया। और मेरे पास थी ग्रोजा जब ग्रोजा होती तो फिर आपको पता है भाई की खैर नहीं होती तो जैसे मैंने यहां पर इनका टीमेट नॉक किया तो मुझे हंड्रेड परसेंट पता था कि यार इसका दूसरा टीमेट भी इसी एंगल पे होगा क्योंकि ये लोग अभी ताज़ा ताज़ा जो है इवेंट में इन्होंने एंट्री मारी थी तो भाई जैसे ही मैं क्लोज गया इन्होंने यहाँ पर स्मोक किया हुआ था तो मैंने सबसे पहले मैं इसी के शूज़ के एडवांटेज यूज़ करके जंप मारा और इसके दूसरे टीमर को भी मैं यहाँ पर नॉक कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी भाई क्या वन वी हो जाता है दोनों को मैं जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ अब आते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ अभी मेन बिल्डिंग में भी दो बंदे होते तो इवेंट के ये दो लास्ट बंदे ही होते और ऑलरेडी सर्कल काफ़ी दूर चला गया था तो अभी इनको जैसे ही हम मारेंगे फिर हम सर्कल में जाएंगे और सिर्फ हमारी उसी टीम के साथ फाइट होगी जिन पर मेरे वन वी थ्री किया था और यार वहाँ पर आपकी बाइक का बैड लक चेक करना है और कितना गंदा सीन होता है और यार हमेशा अगर आप फाइट में अच्छी टीम के साथ दो सेकंड भी आप लेट हो जाओ ना तो सारा सीन ख़राब हो जाता है अब मेरी हेल्थ आप चेक कर लो बिल्कुल नजर भी नहीं आ रही तो जैसे ही मैं इसको नॉक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ब्रूजों से नॉक हो जाता हूँ लेकिन खैर यहाँ पर मैं रिवाइव हो जाऊँगा आप जाते हैं डायरेक्ट लास्ट सर्कल की तरफ तो अगर आप यहाँ पर सर्कल की तरफ़ गौर करो तो जिस लोकेशन पर मैं जा रहा था तो मुझे ये जो लोकेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मैंने ये सोचा था कि भाई वो जो टीम होगी कम अज़ कम तीन या चार बंदे होंगे तो इस वजह से मैंने कहा यार ये वाली लोकेशन छोड़ के सामने वाला हिल पकड़ लेते और उसके बाद फिर फाइट ले लेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि आपने लेट रोटेशन दी ऑलरेडी हम सर्कल में थे और हम लेट गए तो एकदम से यार इसी टीम का हमारे पीछे पुश आता है और मेरे साथ क्या

तो भाई कसम से इस अरबी के ना फुल किस्मत काम कर गई कि मैं बिल्कुल टन एच पी रही है और फिर मैंने वो मेसी के शूज़ यूज़ किए थे जिसकी वजह से मेरी एक तो फर्स्ट एड लेट लग गई और फिर ऐसी सिचुएशन था यहाँ पर बिल्कुल एम शेम सब कुछ मिस हो जाते और फिर यहाँ पर शायद मेरा टिबेट मार लेता लेकिन अरबियों के पास एम एस का एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा क्लच मिस हो गया तो यार आज ही गेम प्ले यही तक थी अगर तो वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना